हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो बन रही वीडियो में इन तक, एंड आपने वीडियो को देखा कि वीडियो कितना कमाल का बना हुआ है। तो ऐसे वीडियो बनाने के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा, एंड वीडियो को थोड़ा सा स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो यार वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बन रही वीडियो में इन तक ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो का स्टार्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप तो देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि यार भाई कैसे वीडियो बनाए हो, थोड़ा मेरा भी वीडियो बना दो। मैंने उन लोगों से बोला कि यार मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग को वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा कैसे बनाया हूँ, और आप लोग भी बना लीजिएगा। तो यार करते हैं वीडियो का स्टार्ट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल से पहले आपको क्या करना है, अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके यहाँ से 9.16 ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो मैं सिंपली वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेने के बाद सिंपली इसको बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग भी इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा यहाँ से, जैसे कि मैं 20 सेकंड का बना लेता हूँ इसको। हो गया। तो होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सही पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेयर पर आना है। लेयर पर आने के बाद आपको अपना फोटो चूज कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको फटाफट चूज कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने इसको चूज कर लिया, और इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। आने के बाद इसको थोड़ा मैं इसको इतना बड़ा कर लेता हूँ। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉपिंग पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से चलाकर थोड़ा देख लेता हूँ। तो यार मैं उस सॉन्ग्स को ले लेता हूँ जो मैं अपने सॉन्ग्स को लगाया हूँ। यहाँ से इसको लेयर पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ से मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद क्या करना है, मैं एक्सपोर्ट करके ऑलरेडी बना के रखा हूँ इस वीडियो को, तो मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से वीडियो को डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से चला के देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके मेरे को यहाँ से कट कर लेना है। फिर से यहाँ से इस पर क्लिक करके मेरे को कट कर लेना है। मैं चला चला कर थोड़ा जल्दी जल्दी कट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको फटाक से यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मैं इस पर भी कट क्लिक करके यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं इसको चला के टेक्स्ट को कैसे लिखना है वो आपको बता देता हूँ। थोड़ा मैं सुन लेता हूँ, मतलब इस सॉन्ग्स में क्या बोल रहा है इसमें। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से लेयर पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं उस सॉन्ग्स को लिख लेता हूँ। और यहाँ से इस पर मैं इमोजी लगा देता हूँ। करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर आ जाना है। आने के बाद यहाँ से इसको इस पर क्लिक करके आपको ब्लैक टेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ से ब्लैक हो चुका है, मैं सिंपली इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद और यहाँ से टेक्स्ट के फॉन्ट को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर दूसरे नंबर पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए कितना कमाल का दिख रहा है। और नीचे की तरफ आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से साइड पे क्लिक कर लेना है, और इसको ऐसे इनेबल करके इसको ऐसे बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ग्लो पे क्लिक करके इसको भी इनेबल करके यहाँ से ब्लैक कर लेना है। और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ।
करने के बाद आपको थोड़ा चला कर दिखा देता हूँ। यहाँ से इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्या करना है, लेटर बाय लेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे स्नैप क्लोजेड पे क्लिक कर लेना है। और थोड़ा मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको थोड़ा फटाफट लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो मैं सिंपली लेयर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। और टेक्स्ट को दूसरे नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन पे आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेटर बाय लेटर पे क्लिक करके यहाँ से आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्नैप क्लोजेट पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सजा लेता हूँ नीचे की तरफ आके। यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ग्लो पे क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देता हूँ। यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं सिंपली इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। और आपको यार तो वीडियो बनकर तैयार हो चुका है और आपको चलाकर थोड़ा दिखा, यार चलाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। आपने वीडियो में देखा कि कितना कमाल का वीडियो बना हुआ, तो मैं सिंपली इसको थोड़ा सा और चला के दिखा देता हूँ आपको।
वीडियो बन गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, काइन मास्टर का कोने की तरफ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपको आपके मोबाइल में कितना कैपेसिटी मतलब सपोर्ट करता है वो आप पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ से मैं क्या FHD 1080p में यहाँ से 30 पे एक्सपोर्ट करता हूँ, और आपको बिटरेट आपको यहाँ से 10 रखना है। 10 रखने के बाद आपको क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।